जी हाँ, बारिश से इंडिया पर ब्रेक। भारी बारिश ने जनजीवन के हालात बिगाड़ रखे हैं। उत्तराखंड में इस बारिश का क्या नजारा रहा है, ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया। अब आपको देश के उत्तरी इलाकों के कुछ और राज्यों की तस्वीर इस रिपोर्ट में हम दिखा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में बादल झूम के तो आया, लेकिन मन मयूर नाच नहीं सका, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मथुरा जैसा हाल लगभग सब जगह है। जल भराव, गंदगी और मुसीबत। यहाँ की सरकार और यहाँ का प्रशासन सोचे, कलेक्टर वगैरह जो है वो सोचे कि ये क्या करना है, ये पानी निकलने का रास्ता कहाँ है ये नहीं पता है। अब कहते हैं क्रेन आ रही है, क्रेन आ रही है, क्रेन से पानी निकलेगा, इंजन में पानी चला गया है, 12.5 घंटे हो गए खड़े खड़े। पानी इतना आया कि निकलना दुर्भर हो गया, निकलना संभव नहीं हो रहा है। वृंदावन आए अब दर्शन करने, बहुत कुछ डर लग रहा है। क्यों डरा रहे? हमने कहा बारिश देखी इतनी। अब मध्य प्रदेश के भिंड का ये नजारा भी देख लीजिए। देखिए, जब इंद्रदेव घनघोर बरस रहे होते हैं तो देश का आम आदमी कैसे खुद को इस मुसीबत से पार लगाता है। ये राजस्थान के दौसा की तस्वीरें हैं। बीते 3 दिनों में हुई बारिश से वहां के तालाब लबालब हो गए हैं। कई जगहों पर लोगों के घरों में पानी भर गया है। माँ के तो मकान में दरड़ा पड़ी, पानी में से निकलो ही नहीं जा रहे। खा बापू गए, मैं काल की रोटी नहीं बनाया, आज 2 दिन हो गया मैंने रोटी पकाया ही। पूरी परिस्थिति परेशान है, पूरी पानी भरा हुआ है, 3 दिन से रोटी पानी न बन रही, ऐसे परेशान है, ना सो रहे ना जाग रहे। राजस्थान के करौली में लगातार हो रही बारिश से बरखेड़ा और भद्रावती समेत 5 नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिससे पांचना बांध में पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया और प्रशासन को बांध के 7 गेट खोलकर 3 लाख क्यूसेक पानी बाहर छोड़ना पड़ा। पानी का वेग इतना अधिक था, जिसको अगर रोका जाता तो और ज्यादा जल प्लावन की स्थिति, तो हमने ज्यादातर जगह से अवरोधों को तुड़वा करके और पानी का निकास किया। हालांकि अभी भी कई क्षेत्र जलमग्न है, NDRF की टीम हमने बुला ली है। करौली जिले के पांचना बांध से पानी छोड़ने का असर भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में बाढ़ के हालात बन रहे हैं। वहां के 53 गांवों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। बयाना प्रशासन ने गंभीर नदी के किनारे बसे गांवों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पांचना बांध से छोड़ा गया पानी भरतपुर के समोगर पुल के पास दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को प्रभावित कर सकता है। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश के मंडी में आवाजाही पर असर पड़ा है। रास्तों को साफ करने के लिए प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ रही है। साथ ही वहां लारजी डैम में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल सभी हमने अधिकारियों को अपने अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। फील्ड लेवल के जितने भी ऑफिसर्स हैं, सभी विभागों को अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। कुल मिलाकर भारी बारिश से उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों और नदियों के किनारे बसे मैदानी इलाकों में हालात बेहद खराब हो रहे हैं। जयपुर से वरुण भंसाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ ये तस्वीरें डराने वाली है, तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर हो रही इस बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। शनिवार को हरियाणा से यमुना नदी में 1,06,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के पूरे आसार हैं। हथनी कुंड बराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके आज शाम तक दिल्ली पहुंचने की संभावना थी और ये आशंका जताई जा रही थी कि पानी का लेवल जो है वो अचानक से राइज कर सकता है और ख़तरनाक जल स्तर जो यमुना का है उसको क्रॉस कर सकता है, जो कि 204.83 मीटर्स अगर ये जल स्तर पहुँच जाता तो एक अलर्ट इस विषय में जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो फ्लड प्लेन्स पे, यमुना के फ्लड प्लेन्स पे लोग रहते हैं, उनको ऐसी स्थिति अगर पैदा होती है तो उनको इवैक्यूएट किया जाना चाहिए था। लेकिन इस वक्त की जो स्थिति है, 6:30 से 7 बजे के बीच में यमुना का जो जल स्तर नोट किया गया वो करीब 202.7 मीटर्स के आसपास किया गया, नोट किया गया, जो कि एक
खतरनाक लेवल है उससे नीचे है, यानी इस वक्त की स्थिति ये है कि वाटर लेवल कंट्रोल में है और पूरी तैयारी भी प्रशासन ने कर रखी है कि अगर वाटर लेवल राइज होता है तो स्थिति में क्या किया जाना है, लेकिन ऐसी संभावना कम नज़र आ रही है। निवृत्ति मोहन जी, मीडिया, दिल्ली।